फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब आप तो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के बाद अगर कहा जाए तो एक ये पूरा प्रोसेस चलना है टिल चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या समझते हैं तैयारियाँ बेस्ट हैं, स्पेक्टेटर्स को फैसिलिटेशन आप समझते हैं अप टू दी मार्क मिलेंगी? देखिए ये एक प्रीमियर टूर्नामेंट के तौर पे इसको प्रेजेंट किया गया है और इससे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में आ रही हैं उनका ख्याल ये है कि ये उसको सर्व करेगा पॉजिटिव वे में, यहाँ से उन्हें मटेरियल मिलेगा जिसको वो आगे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं जब मैच शुरू होते हैं कैसा प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, बट वंस अगेन दिस इज यू नो एन अपॉर्चुनिटी विच हैज बीन देयर फॉर सो मेनी ईयर्स, इसको थोड़ा सा एनहेंस कर दिया गया है, इसमें फॉर्मेट T20 का भी ऐड कर दिया गया है, पाकिस्तान कप के नाम से जो होता था ये चैंपियंस कप के नाम से हो रहा है, और इसको थोड़ा और कह लें कि दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट क्लोजर टू मे बी नेशनल क्रिकेट, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। तो अच्छा है, लड़कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन हमारी इसके बाद जो आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक चलना है, ये चलना 29 तारीख तक, और उसके बाद जी, फिर आपका 4-day कंपटीशन और टेस्ट मैचेस शुरू हो जाने, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। जी हाँ जी जी। अच्छा भट्ट साहब भी वैसे बाय द वे कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भट्ट साहब, ये जो आपको नई अपॉर्चुनिटी और ये अपॉइंटमेंट जो आपकी हुई है अलॉन्ग विद दीगर जितने भी हमारे सीनियर हैं। राजा साहब मेरे से पूछ रहे थे कि इस दफा उर्दू कमेंट्री का नहीं, इन्होंने किया डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो इस बारे भी जरा एक मैसेज कन्वे करवा दीजिएगा, उर्दू वाला जो चंक है क्यों गायब करवाया गया? देखिए बात यह है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है और अब तो दुनिया में रीजनल लैंग्वेजेस भी सेम टूर्नामेंट्स में कमेंट्रीज हो रही होती हैं, तो एक फ्लेवर ऐड करती है वो। अभी मेरा ख्याल है कि उर्दू कमेंट्री होगी जरूर इसमें, ये हो नहीं सकता कि नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो और उसके अंदर आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है उसके अंदर कॉमेंट्री ना हो, क्योंकि इसके तो शायकीन जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होंगे, और अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं होंगे तो वो भी पाकिस्तानी होंगे या उसके बाद हो सकता है उसमें इंडियंस हों, तो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली वो उर्दू लैंग्वेज सबसे रिलेट करती है और मदर लैंग्वेज है हमारे मुल्क की, तो आई थिंक उसमें लाजमी ये होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये अभी इसका पता तो नहीं है, रोस्टर देख के पता चलेगा, बट आई एम श्योर ये होगा उसके साथ। बहरहाल राज साहब व्यवस्था रहे, शजा से उम्मीदें बाहर रख। नहीं ये एक और चीज़, जैसे भट्ट साहब बात कर रहे थे ना कि ये जो मेंटोरशिप है, इतने बड़े बड़े नाम है, हो सकता है कि PCB के जो करता धरता है उनके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में हो कि नहीं जी, क्योंकि इसकी ग्लोबल व्यूवरशिप, क्योंकि हमने आज देखा है जो मीडिया पार्टनर्स हैं उसमें ज़ाहिर है कि ये अमेरिका में भी दिखाया जाएगा, बड़े और मुल्कों में भी, तो ये चाहते हैं कि इसको एलिवेट कर दें थोड़ा सा, हमारा जो एक इमेज है वो अंग्रेजी ज़ुबान समझी जाती है और बोली जाती है, बड़ी लैंग्वेज है, तो उसको इस पर ही फिल वक्त इस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो उर्दू ब्रॉडकास्ट है उसने, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट ने क्रिकेट बोर्ड पर भी और क्रिकेट पर बड़े एहसान किए हुए हैं, चाहे वो रेडियो हो चाहे टेलीविजन की हो। बहरहाल भट्ट साहब आपसे तो रहेंगे हमारे बड़े अच्छे मामलात, और आप इसमें जरूर जरूर। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये जो अब फाइनल स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, चूंकि कल से ये स्टार्ट हो रहा था, भट्ट साहब हम बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स हमने इस प्लेटफॉर्म से बात की है कि जो मेरिट पर जिनका बनता है उनको टीम में जगह नहीं मिलती, तो अब जो ये फाइनल स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं, आप समझते जितने भी इसमें खिलाड़ी हैं हर टीम के 15 ऑन मेरिट है या किसी का हक मारा गया? हमजा मैंने अभी ये मेरी नजर से नहीं गुजरे, अच्छा, मैं अभी ट्रेवल में हूँ और मैं इसको जब देखूंगा फिर मैं इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये 20 लड़कों तक को जो था वो तो मुझे मालूम था जी, लेकिन अब जाहिर है इनको 15 कर दिया गया है, और ये मैं पहुंचूंगा तो इनशाला फिर इसको मैं देखूंगा गौर से, और फिर सारी जो लाइनअप्स हैं उसका बैलेंस कैसा है, उसमें कौन सा प्लेयर कहाँ फिट इन हो रहा है, किसको क्या रोल मिलता है, इस पर हम फिर फर्दर कमेंट करेंगे। अच्छा अफजा, एक आपकी इजाज़त से मैं और आकिब आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं बाद में, सवाल ये है कि हमने जो कोताहियाँ देखी हैं, ब्लंडर्स देखे हैं, स्पेशली जो हमारी वीक बैटिंग टेक्निक्स है ओवर द ईयर विद एक्सेसिव और एडवांटेज ऑफ T20 के बाद जो बिगाड़ पैदा हुआ है, अब आप क्योंकि एक कॉमेंटेटर की हैसियत से होंगे और आपके साथ और सिक्काबंद किस्म के ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, तो एज अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हु इज़ अ क्रिकेटिंग ब्रेन, तो ज़रा आप पर बड़ा लाजिम होगा कि वो नौजवान जो बड़ी तादाद में, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे इंतजाम भी हैं वहाँ पर और एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है फैसलाबाद, तो ये आप माइक्रोफोन पर किस तरीके से वहाँ पर उनकी इसलाह करने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमसे कोताही होती रही है पास में, तो आपके जहन में है कि मैंने ये जो वीक एंगल हैं हर गेंद को जो उठा के मिड विकेट पर खेलना है, अब तो ये ज़रा लंबी दौरानिए का खेल है 50 ओवर्स का।
देखिए राय साहब, कमेंट्री जो है वो लर्निंग एस्पेक्ट है बहुत बड़ा क्रिकेट का, चाहे वो व्यूअर देख रहा हो लाइव या रिकॉर्डिंग में जाके प्लेयर्स देख रहे हो, और अगर उसमें आप क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं और आप बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, तो मेरा ख्याल है कि सब सीखने वाले उससे सीखते हैं, और जो ठान लेता है कि मैंने कुछ नहीं सीखना वही उसका बुरा मनाता है। आई गेस जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हम आके बड़े शौक से सुना करते थे कि माइकल होल्डिंग ने हमारी बैटिंग पे क्या बात की है, टोनी ग्रेग ने क्या बात की है, इयान चैपल क्या कह रहे हैं, और ग्रेट्स ऑफ द गेम सुनील गावस्कर ने बहुत सारे हमारे मैचेस पे कमेंट्री की, रवि शास्त्री ने, सिद्धू साहब ने। सो वी ऑलवेज यूज टू लर्न अलॉट फ्रॉम व्हाट दे से, क्योंकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्वियसली वो एलीट लेवल की होती है। सो आई थिंक इसको प्लेयर्स को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि कम्युनिकेट वो चीजें की जाए जिससे प्लेयर्स अगर सुनते हैं तो उनका आगे जाने में, लेवल अप होने में उनको कंस्ट्रक्टिव चीजें मिले, उनको एक पाथवे नजर आए उसके अंदर। बट सब ओवरऑल अगर ये प्रैक्टिस अभी हमारे सामने चल रही है, हर खिलाड़ी में, हर टीम मेंबर में ओवरऑल यूनिटी दिखाई दे रही है, वो जो हमने देखा पिछले दिनों बहुत सी बातें ऐसी की गई, लेग पुलिंग की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, अपेरेंटली अब चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं हम क्लियरली देख भी सकते हैं आपकी नज़र से, तो वो चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही अब। हमजा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, मैं ठीक है पहुंचूंगा तो फिर ये चीजें मेरे सामने आएंगी, मैं उस पर फिर प्रॉपरली कमेंट कर सकता। ठीक है चले, ये तो मजीद भी हम व्हाट्सअप से बातें करते रहेंगे। अच्छा आकिब, व्हाट्सअप ने तभी तक वो स्क्वाड नहीं देखे, आपने भेजे, आपने सारी देखी, जिस तरह से व्हाट्सअप पॉइंट आउट करते रहे हैं माजी में भी इस प्लेटफॉर्म से, तमाम के तमाम वही चेहरे हैं जिनको होना चाहिए। देखिए हमजा, जो स्टार्टिंग में इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान किया था, जो पांच टीमें थी उसमें, जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिशन क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिशन है कि बैकअप तैयार करना, जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने ये कह चुके हैं कि भाई हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम को हटा दें तो हमारे पास पीछे कोई नहीं बैठा जो बाबर आजम को रिप्लेस कर सके, अगर आप चाहते हैं रिजवान शाहीन को हटा दें हमारे पास पीछे कोई नहीं बैठा जो शाहीन और रिजवान को रिप्लेस कर सके। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है, उनका प्लान ये है कि इधर से हम एक जो है प्लेयर जो है वो तैयार करेंगे, लेकिन कैसे ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। अब अगर एक मैं जहाँ मेरी समझ आती है, अगर आप फैसलाबाद की कंडीशंस में खिला के, जो कि मानी जाती है कि यहाँ पर शदीद किस्म के रन्स बनते हैं, और अगर मैं गलत ना हूँ राजा साहब मेरी जो है वो तस्दीक कर दें कि डेनिस लिली ने यहाँ पे कहा था कि मेरी इस पिच पे जो है वो कब्र बना दें कि यहाँ पे इतना स्कोर पड़ता है, राजा साहब अगर डेनिस लिली ने कहा था डबल सौ किया था तो ये पिच फैसलाबाद की तो बैटिंग विकेट तस्वर की जाती है। अब मुझे अभी क्योंकि मैंने पिच नहीं देखी, जो वहाँ से पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि बैटिंग पैराडाइज बनाने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ये जो स्पेशली टूर्नामेंट है इसमें जो हमारे टोनी हैमिंग है उनकी कोई बीच में जो है ना वो इनपुट नहीं है, ये टोटली डोमेस्टिक, जो अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक, वो सारा इसको जो है हेड कर रहे हैं। अब वहाँ पे पिच कैसी बनती है, कंडीशंस क्या होती हैं, क्या बाउंड्री लाइन फिर वो 60 मीटर की होगी, वहाँ पे जो है आसिफ अली आराम से एच करके छक्के मार देंगे, जब इफ्तिखार अहमद वहाँ पे जो है बैठ के छक्के मार देंगे जब इंटरनेशनल मैच में आएगा तो वही छक्का जो है वो सर्कल के अंदर कैच हो जाएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ेंगी। और उससे बढ़ के ये हमारे पास नया टैलेंट क्या है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई नया टैलेंट है। हाँ आप कप्तानी के हवाले से देख लें, कप्तानी में आपने कहा हम बैकअप तैयार करेंगे, आपने बैकअप तैयार करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपने बैकअप कप्तानी के हवाले से क्यों तैयार किया, शदाब खान ऑलरेडी कैप्टन कर रहे हैं, शहीन अफरीदी ऑलरेडी कैप्टन है, आपके जो है वैसी वाइस कप्तान है, सिर्फ मोहम्मद हारिस हैं जो नए कप्तान है, जो नए नौजवान कप्तान जिनको कहा जा सकता है, तो ये बैकअप अल्लाह करे तैयार हो जाए, अल्लाह करे हमारी पूरी दुआ हमारी पूरी उम्मीद बेस्ट विशेस दें, लेकिन कंडीशंस बताती हैं कि आपको बड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर तो क्या आपका क्या ख्याल है कि डोमेस्टिक से लड़का लाके कप्तान बिठा दिया जाए? देखें आपने अगर डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में डोमेस्टिक अगर लड़के को कप्तान नहीं बनाना, फिर देखें सीनियर का काम है टीम को लेके चलना, तो उन्होंने देखा कि सीनियर जितने भी हैं उनको लीड करने दे, नीचे वालों को परफॉर्म करने दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौकफ उनका ये है कि हमने यहाँ से नया टैलेंट निकाला, नया टैलेंट ना कि नया कप्तान निकाला, कप्तान भी उन्होंने कप्तानी के बैकअप का कहा है ना, हमारे पास कप्तानी कप्तानी की तो लड़ाई है 2023 में, उसकी लड़ाई है ना क्रिकेट कप्तानी से नहीं है, 2023 में कप्तानी की लड़ाई से ही पाकिस्तान की क्रिकेट आज इस नहज पे पहुंची है,
कप्तानी की लालच ने ही बाबर आजम तो कप्तानी का लालच हो गया ना रिजवान की, हाँ। रिजवान की कप्तानी के मार्केट में क्या कप्तानी सिर्फ दो तीन लड़कों के इर्द गिर्द घूमनी है? रिजवान, बाबर, चहीन, हमारे पास, हम क्यों नहीं बनाते किसी लड़के को? अजान अवैस को कप्तान बना दे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि अजान अवैस ने अंडर 19 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी तो जाके करें ना। आपने डोमेस्टिक में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना तो फिर आप पाकिस्तान टीम में तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 29 सितंबर के बाद ये सोचें कि हमें एक अच्छा प्लेयर्स ऑफ पूल मिल जाएगा तो मेरा ख्याल है इसको अभी ठीक है। अच्छा, पूल की बात कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूल आपके पास जो इस वक्त कहते रुजाली है ना, उसकी वजह यह भी है कि अब हारिस रऊफ हों, शाहीन शाह अफरीदी हों, नसीम शाह हों, इनसे हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये 15 साल या 20 साल खेलेंगे, वो जो हमारे पास 2000 की मेमोरी जो है ना वो अभी तक जा नहीं रही। को 100 टेस्ट मैच खेल जाएंगे, को 300 आउट कर जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं। ये चार ओवर कराने के बाद राजा साहब थक जाते हैं, इनकी क्या ही बात करनी है। और ये जल्दी से रुखसत हो गए, अब पूल आप कहाँ से लेकर आएंगे? दुनिया में कोई ऐसी मुल्क नहीं है जो इस तरह के जिस पाए के ये बॉलर एस्टैब्लिश हो चुके हुए। ठीक है, ठीक है साहब, ये कल से जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा ना तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। अभी थोड़ा सा पानी से मुझे याद आया, नोएडा वाला पानी सूखा है कि नहीं? 3 दिन जो है वो जनाब वो बिल्कुल ही फटे लग गए हैं, और उधर अफगानिस्तान जो है वो एहतजाज करने के बजाय राजा साहब कह रहे हैं कि गुरु जी जो है तुसी है, हमारी तरफ से कोई गिला नहीं है आपकी तरफ से, हम आपके साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। अब देखें कि अफगानिस्तान के साथ हो क्या रहा है, मरता क्या ना करता, जाएं तो जाएं कहाँ, और दूसरे मुल्क ने उनका हुक्का पानी बंद किया, ऑस्ट्रेलिया ने कि आप यहाँ पे आ नहीं कि हम आपको बुलाएंगे नहीं क्योंकि आपने वुमेन क्रिकेट बैन की हुई है। इंडिया जो है वो अब ज़ाहिर उनका नेबर भी है और वो उनको एक ज़ाहिर के सरपरस्ती भी कर रहा है। ये इंतहाई बदतमीज़ी है कि आप दो आलमी मुल्कों की बड़ी टीमों को बुला के और उनको ऐसी जगह नहीं, तो बारिश इंडिया ने करवाई राजा साहब। बात सुने, एक दफ़ा शेखुपुरा में टेस्ट मैच था तो बारिश आ गई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो जो तरपाल डाले गए उसमें सुराख थे, चूहों ने सुराख कर दिए हुए थे। अच्छा, माजिद खान साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने लाहौर से तरपालें भेजी और सारा कुछ किया, लेकिन वो बड़ी बदनामी हुई। अच्छा, ये पुरानी बात है, लेकिन अब इंडिया के बोर्ड के पास बेताशा पैसे, दिल्ली से ये ग्रेटर नोएडा ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, किस दौर में रह रहे हैं। और ये उसको छोड़ने चलें, वो तो एक तबाह हाल मुल्क है, फिल वक्त अफगानिस्तान तरक्की करे और तरक्की कर जाए, अच्छी बात है, क्रिकेट उनकी बड़ी टॉप की है, लेकिन न्यूजीलैंड जहाँ पे क्रिकेटर्स के लिए हर दिन ईद का दिन होता है, इतनी कंफर्टेबल लाइफ है, इतनी शानदार लाइफ है, उनको पंजाबी में कहते हैं कि आपने बल्दी के बूथे ला के वहाँ का लगा दिया है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवन जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो राइटली कह रहे हैं कि ना लिविंग ठीक है, ना कोई और चीज़ ठीक है, ना ग्राउंड ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड करूँ, कल जब ये बात हुई ना मेरी, हाँ, इंडियन जर्नलिस्ट को मैंने उसका कहा भाई ये क्या मामला है, उसने मुझे पूरी डिटेल बताई, कहता बीसीसीआई की तरफ से अफगानिस्तान को 3 लोकेशंस दी गई थी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर। नहीं नहीं, इंडिया तो हर तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, लखनऊ में इनकी ऑप्शन थी। हाँ, अफगानिस्तान बोर्ड ने कहा था हमें या लखनऊ दे दे या कानपुर दे दे, उनका आगे से पॉइंट नहीं, वहां पे प्राइवेट लीग्स हो रही है। हाँ, वो लखनऊ में तो पाकिस्तान टेस्ट ऑप्शंस तो ओपन थे ना, इंडिया ने दी। और दूसरा ये कि देखें इस वक्त पूरे इंडिया में बारिशें हो रही हैं। ठीक है।